बच्चों आज हम क्लास प्रेप में मैथ में माइनस के सवाल करेंगे। आप सभी ने अपनी मैथ की कॉपी निकाली होगी। चलिए देखो जरा सभी बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए क्लासवर्क, क्लासवर्क डालो सभी और यहाँ आज की डेट डालो। अब मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले वन बॉक्स में वन बिंदी लगाओ, देखिए 100, वापस वन बिंदी लगाइए, आगे लिखो टेंस, फिर वन बिंदी लगाओ और इसी के आगे लिखो यूनिट। यूनिट के बाद में गिन करके थ्री बिंदी लगाइए, 1 2 3, लिखो आगे 100, फिर से लिखो, फिर वन बिंदी लगाओ, टेंस, फिर से वन बिंदी लगाइए और आगे लिखो यूनिट। यहां तक लिख लिया सभी ने। अब सवाल लिखेंगे सब बच्चे मेरे साथ साथ बोल बोल के लिखिए। लिखो 973, 973, इसी के नीचे लिखिए 236, 236, 236 के नीचे लाइन खींच दो, टू लाइन है इस तरह से और टू से पहले माइनस का निशान लगाओ। यहां तक लिख लिया। चलिए अब अगला सवाल लिखेंगे, लिखो 864, 864, इसके नीचे लिखो 329, 329। अब देखिए 329 के नीचे टू लाइन खींचो इस तरह से और थ्री से पहले माइनस का निशान लगा दो। लगा लिया। अब चलिए सवाल करेंगे हम, कहाँ से शुरू करते हैं सवाल, कोई सा भी वो हमेशा यूनिट से शुरू करते हैं। कहाँ से? यूनिट से। यूनिट के नीचे क्या लिखा है? थ्री। और थ्री के नीचे क्या लिखा है? सिक्स। तो थ्री लाइन खींच के उसमें से हम थ्री सिक्स लाइन काट सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 3 में से 6 कैसे काटेंगे? नहीं काट सकते ना, क्योंकि 6 से 3 छोटा है और 6 बड़ा है। तो 3 क्या करेगा? अपने पड़ोसी से उधार लेगा। 3 का पड़ोसी कौन है? ये 7 है ना। तो 7 ने, 3 ने 7 से उधार लिया तो ये 1, 7 ने 3 को 1 उधार दे दिया। 1 लिखो यहाँ पे 3 से पहले। अब जब 7 ने 3 को 1 उधार दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6, क्योंकि 7 में से 1 इधर गया तो 6, 7 को इस तरह से तिरछा काटो और यहाँ पर लिखो 6। लिख लिया। अब यहाँ कितने हो गए? 13, 10 and 3, 13। अब 13 में से हम 6 काट सकते हैं ना, तो अब कितनी लाइनें खींचेंगे हम? 13 लाइनें। यहाँ पर नहीं खींचेंगे सब बच्चे, देखो यहाँ पर नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ आएगी नहीं, नीचे खींचेंगे हम। 13 लिखा है, 13 लाइनें खींचेंगे हम। खींचो मेरे साथ साथ सभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। किसकी सब इन 13 लाइन है? अब देखिए 13 लाइन हमने खींच ली, 13 के नीचे क्या लिखा है? 6। तो हमको कितनी लाइनें काटनी है? अब 6 लाइनें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन काट दी। पीछे वाले लाइनों को हम गिनेंगे कि कितनी बची है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी लाइन है बची? 7 लाइन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 लिखिए यहाँ पर। अब देखो आगे टेंस के नीचे क्या लिखा है? 6, 7 नहीं लिखा है, 6 हो गया है ना, क्या लिखा है? 6। तो हम कितनी लाइन खींचेंगे? 6 लाइन। नीचे खाली जगह है ना आपके पेपर,
आधा पेपर खाली वहां पे लाएंगे कि जो 6 है कि जो 1 2 3 4 5 6 कि जो अब 6 लाइन में से कितनी लाइन काटनी है 6 के नीचे क्या लिखा है पढ़ो 3 तो हम 3 लाइन काट देंगे 1 2 3 3 लाइन हमने काट दी अब पीछे वाली लाइन कितनी बची उनको गिनो 1 2 3 कितनी लाइनें बची 3 लाइन तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 3 हो गया यहां तक आगे देखो 100 के नीचे क्या लिखा है 9 तो हम कितनी लाइन खींचेंगे 9 लाइन ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी 9 लाइन है अब 9 लाइन में से कितनी लाइन काटेंगे 2 लाइन 2 लाइन काटो 1 2 2 लाइन गिन करके काट दी आगे की लाइनों को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया इनको काउंट करने पर 7 यहां पर हम क्या लिखेंगे 7 ये सभी ने अब अगला सवाल करेंगे बिल्कुल इसी तरह से यूनिट के नीचे क्या लिखा है 4 4 के नीचे क्या लिखा है 9 तो 4 में से 9 काट कटेंगे नहीं कटेंगे क्योंकि 4 9 से छोटा है ना तो 4 क्या करेगा अपने पड़ोसी से उधार लेगा 4 ने 6 से उधार लिया है ना तो 6 ने 4 को उधार दे दिया तो यहां पर लिखो 1 ये 1 कहां से आया 6 ने उधार दिया 4 को है ना अब 6 ने 4 को 1 उधार दे दिया तो यहां पर कितने बचेंगे 5 लिखो यहां पे 5 और यहां कितने हो गए 10 एंड 4 14 ठीक है आगे देखो अब 14 हो गया ना यहां पे 14 लाइन खींचनी है हमको यहां नीचे खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी लाइनें खींची हमने ये 14 है ना अब देखो 14 में से कितनी लाइनें काटनी है 14 के नीचे क्या लिखा है 9 तो 9 लाइनें हम काटेंगे 1 2 3 4 काटो 5 6 7 8 9 9 लाइन काट दी अब पीछे वाली लाइन को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 सब बच्चे गिनो कितना आया इनको गिनने पर 5 सबके 5 ही आया ना ठीक है 5 बचा तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे 5 लिख लिया चलिए आगे देखो 10 के नीचे क्या लिखा है अब 5 है ना तो हम कितनी लाइन खींचेंगे 5 लाइन खींचो 1 2 3 4 5 5 में से कितनी लाइन काटनी है 2 लाइन 2 लाइन काटो 1 2 गिन करके 2 लाइन काटो और जो बची उनको गिनो 1 2 3 कितनी बची 3 तो यहां लिखिए 3 हो गया यहां तक सबने 3 लिख लिया अब देखिए 100 के नीचे क्या लिखा है 8 तो हम कितनी लाइन खींचेंगे 8 लाइन 1 2 3 4 5 खींचो 6 7 8 8 लाइन खींच ली हमने 8 में से कितनी लाइन काटेंगे 8 के नीचे जितनी लिखा हुआ है उतनी लाइन काटेंगे 8 के नीचे क्या लिखा है 3 तो 3 लाइन काटेंगे 1 2 3 अब पीछे जो लाइनें बची उनको गिनो 1 2 3 4 5 कितनी लाइनें बची पीछे 5 तो यानी कि ये 5 लिख लिया सभी ने अब देखो इधर सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से कॉपी पर इस तरह से हाथ रख के सारी ये जो नीचे लाइनें खींची ना इनको रब कर दो बिल्कुल धीरे धीरे पूरा एकदम साफ कर दो सारी लाइनें कर दी सभी ने
देखिए ये 7 लिखा है ना, 7 के नीचे गिन करके 3 बिंदी लगाओ, 1 2 3, 3 बिंदी के नीचे लिखिए 100, फिर 1 बिंदी लगाओ इधर से, आगे लिखो टेंस, फिर से 1 बिंदी लगाइए और लिखो यूनिट, यूनिट के बाद गिन करके 3 बिंदी लगाओ, 1 2 3, लिखो आगे 100, 1 बिंदी टेंस, 1 बिंदी यूनिट, लिख लिया यहां तक सभी ने। अब देखिए इसी के नीचे लिखेंगे सभी मेरे साथ साथ, लिखो 486, 486, इसी के नीचे लिखो 148, 148, 148 के नीचे 2 लाइन खींचो और 1 से पहले माइनस का निशान लगाओ। लगा दिया सभी ने। अब अगला सवाल लिखिए, 378, इसी के नीचे लिखो 229, 229 लिखा, उसके नीचे फिर से 2 लाइन खींचो और 2 से पहले माइनस का निशान लगाओ। लगा लिया सभी ने इस तरह से। अब ये जो 3 विधि लिखी है उसके ऊपर खाली जगह है ना, आप ऊपर डालो। ये 2 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, जैसे हमने अभी किए थे लाइन खींच के, उसी तरह से ये 2 सवाल भी करने हैं।